हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के सारे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के यहाँ पे सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे। तो जिन्हें सॉल्यूशन देखना है एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की कैसे हम एग्जाम में लिखें वो प्लीज़ ये वीडियो के अंत तक बने रहें। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के पहला चैप्टर करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग एयर में जलाने से पहले क्यों साफ करते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन पे क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेते हैं, लेयर बना लेते हैं, इसीलिए हम लोग उसे क्या करते हैं, पेपर स्क्रबर पेपर से उसे हम रिमूव करते हैं। तो ए मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट और ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम इट्स सरफेस सो डैट इट मे रेडियली कमाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन हीटिंग एंड इट कैन बर्न इजली। तो हम लोग इसीलिए इसे रब करते हैं क्योंकि हम लोग क्या रिमूव करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर जो मैग्नीशियम पे बन गया, क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो परत बन गए हैं उसको रिमूव करते हैं सर उसके सरफेस से। दूसरा क्वेश्चन से यहाँ पे देखिएगा, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो H2 प्लस Cl2 क्या बनेंगे, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अब रिएक्शन बैलेंस करेंगे, ये दो है तो क्या करेंगे, यहाँ पे दो लगा देंगे। बेरियम क्लोराइड और एमोनियम सल्फेट जब रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट और एमोनियम क्लोराइड बनते हैं। तो बेरियम क्लोराइड क्या हो जाता है, BaCl2, और आपकी क्या हो जाती है, अल्मोनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3। ये जब रिएक्शन करके बनता है तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनते हैं AlCl3। अब क्या करना है, बेरियम यहाँ पे कितना है, एक है, तो बेरियम यहाँ पे एक है, अल्युमिनियम यहाँ पे दो है तो यहाँ पे दो लगाओ। जैसे यहाँ पे दो लगाएंगे, क्लोरीन कितना, छः हो गया, तो छः यहाँ पे तीन लगाना होगा, यहाँ पे तीन लगाओगे रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब क्या हो गया, देखो दोनों तरफ रिएक्शन बैलेंस भी करना है, तो तीन आपके हो गए बेरियम, तो तीन बेरियम, क्लोरीन छः तो क्लोरीन छः, अल्मोनियम दो तो अल्मोनियम दो, सल्फेट तीन तो सल्फेट तीन। अब क्या है, सोडियम और वाटर जब रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बनते हैं। तो सोडियम और वाटर Na+H2O, तो क्या बना, NaOH बना और साथ में क्या बने, हाइड्रोजन गैस बना। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर NaOH यहाँ पर टू लगा दिए, टू जैसे लगाए तो यहाँ पर आपके यहाँ पर टू लगा दिए, सोडियम में टू लगा दिए, रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फ्लोइंग रिएक्शंस। यहाँ पे सिंबल भी बताना कि कौन एक्वस है, कौन सॉलिड है, कौन आपके लिक्विड है, कौन आपके गैस है। तो सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इन सोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड जो है क्या है सर, BaCl2 आपका एक्वस है, प्लस आपके Na2SO4 आपका क्या है, एक्वस है। दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे, आपके बेरियम सल्फेट BaSO4 कैसा बनेगा सर, ये सॉलिड में बनेंगे, प्लस क्या बनेंगे आपके NaCl। रिएक्शन बैलेंस करना है तो यहाँ पे टू लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो गया। दूसरा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन से तो प्रोड्यूस करता है सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर। तो सोडियम क्लोराइड और क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है सर, वाटर में है तो एक्वस लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी किस में है, वाटर में, तो क्या लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे। NaCl सोल्यूशन किस में है आपके बने, तो ये भी कैसा होगा, एक्वस, और क्या बनेगा साथ पे, जल बनेगा, जल कैसा होगा, वाटर जो बनेंगे लिक्विड स्टेट में होंगे, रिएक्शन खुद बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा कि ए सोल्यूशन ऑफ
सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए जो आपका पचोड़ा करने के लिए घर का पचोड़ा ठीक है, पचोड़ा करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो नेम दी सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला। तो एक्स जो है सर, ए आपके क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है सर। और क्या इसका फार्मूला है, CaO है। और इसका रिएक्शन लिखना है किसके साथ, एबव विथ वाटर। जो आपकी कैल्शियम ऑक्साइड है उसे पानी के साथ अगर मिलाया जाता है तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस बन जाता है। यही आपके रिएक्शन हो जाएंगे सर। दूसरा क्या ए एक जा हो जाएगा, पहला का आंसर ए हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, वाई इज डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक्टिविटी, नेम दिस गैस। जब वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाता है वाटर में सर, तो ये आपके H2 और O2 में टूटते हैं। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, ये यहाँ पे फिर क्या 2 लगाना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अगर दो मॉलिक्यूल्स, अगर दो मोल अगर आप वाटर, दो वॉल्यूम अगर वाटर को आप तोड़ते हो तो यहाँ से आपके दो वॉल्यूम क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन मिलेंगे और आपके एक वॉल्यूम जो है ऑक्सीजन मिलेगा। मतलब समझिएगा, 2 लीटर अगर पानी को तोड़ने गए तो 2 लीटर आपके हाइड्रोजन गैस मिलेगा और 1 लीटर आपका ऑक्सीजन मिलेगा। तो यहाँ से समझिएगा कि अगर आपका ए आपके जो बने हुए हैं, हाइड्रोजन 2 पार्ट से बना हुआ है और ऑक्सीजन 1 पार्ट से मिला बना हुआ है, तो ये वाई इज डबल द डबल द अमाउंट ऑफ ए गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक्टिविटी बिकॉज 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन इज मेड टू वाटर। तो नेम दिस गैस, ये गैस क्या है सर, आपका हाइड्रोजन गैस है जो आपके 2 पार्ट में बन रहे हैं। क्या है, हाइड्रोजन गैस है। अब जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो सर कॉपर सल्फेट में अगर हम आयरन को रख देते हैं, आयरन को जैसे रखे क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट बना लेता है, फेरस सल्फेट बना लेता है और साथ में क्या कॉपर दे देता है। क्या कर लेता है सर, डिस्प्लेस्ड कर लेता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बना लेता है। क्या कर लेता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बना लेता है। कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर है सर और ये आपके क्या है, ग्रीन कलर है। क्या है, ग्रीन कलर है। जब हम लोग आयरन नेल को डिप्ट करते हैं कॉपर सल्फेट में सोल्यूशन में, तो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज बिकॉज आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू फॉर्म ए लाइट ग्रीन सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट बिकॉज इट्स सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बोल सकते हैं आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब नेक्स्ट आते हैं सर, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट आपके सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को जब हम रिएक्ट करवा देते हैं सर सोडियम क्लोराइड से, तो यहाँ से आपके बन जाते हैं AgCl और साथ में बनते हैं सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो Ag आपके Cl जो होता है ये आपके वाइट PPT बन जाता है सर, ये वाइट PPT बन जाता है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या है, रिएक्शन है। और आप बोल सकते हो क्या, बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करता है, बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, आपके बेरियम सल्फेट बनते हैं और साथ में सोडियम क्लोराइड बनता है सर। तो बेरियम सल्फेट जो है ये आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल्स है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है सर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, आइडेंटिफाई दी, क्या करना है यहाँ से समझिएगा, आइडेंटिफाई दी सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फ्लोइंग रिएक्शन। तो Na जब O2 के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना लिया, Na2O बना लिया। तो यहाँ पे देखिएगा Na पे क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया सर, तो Na क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गए और O2 क्या हो गया, रिड्यूज हो गया। O2 क्या हो गए, रिड्यूज्ड हो गए। तो एक ऑक्सीडाइज किया तो दूसरा क्या करेगा, रिड्यूज। तो Na यहाँ रिड्यूज किया तो ऑक्सीडाइज किया तो आपकी सब्सटेंस जो O2 क्या करेगा, रिड्यूज करेगा। अब CuO और H2 में रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे H2 में क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गए तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया सर, ऑक्सीडेशन हुआ। और कॉपर से देखो ऑक्सीजन हट गए तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। जो सब्सटेंस यहाँ पे ऑक्सीडाइज किया दूसरा में क्या हो गया, हाइड्रोजन, और जो सब्सटेंस रिड्यूस किया वो क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। दोनों किधर से होंगे ये याद रखिएगा, रिएक्टेंट के तरफ से ही होगा, रिएक्टेंट के तरफ से ही होंगे सर।
अब आते हैं नेक्स्ट, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा वो क्या हो गया ऑक्सीडाइज, जिससे ऑक्सीजन हटा वो क्या हो जाएगा रिड्यूस्ड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि विच ऑफ द स्टेटमेंट, अब आ जाते हैं ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। कि अगर लेड ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्ट करता है तो लेड और क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ से देखिए लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये सही है सर, लेड आपका ऑक्सीजन हट रहा है यहाँ से तो क्या हो रहा है रिड्यूस्ड हो रहा है। आगे देखिएगा दूसरा, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन जो है आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है सर, कार्बन में क्या हुआ ऑक्सीजन जुड़ गए, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये आपकी सही है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज नहीं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये आपकी गलत है। क्या हो जाएंगे लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, नहीं लीड ऑक्साइड आपकी क्या हो जाए लीड ऑक्साइड इज तो कौन यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है सर, आपके लीड ऑक्साइड हो रहे हैं, और कौन आपके ऑक्सीडाइज हो रहे हैं गेटिंग ऑक्सीडाइज, आपके जो गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहे हैं, कौन प्राप्त हो रहे हैं आपके लीड, आपकी क्या ऑप्शन वन और ऑप्शन टू क्या हो जाएगा सही हो जाएंगे, ऑप्शन आपके क्या पहला वाला हो जाएगा ए एंड बी हो जाएंगे सर, ए एंड बी हो जाएंगे। कौन आपका रिड्यूस्ड हो गया तो लीड आपका रिड्यूस्ड के फॉर्म में प्राप्त हो, कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और ऑक्सीडाइज कार्बन ऑक्सीडाइज किसमें बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, क्या हो जाएगा ऑप्शन वन एंड ऑप्शन आपके ए एंड बी सही, मतलब ऑप्शन वन आपका क्या है सही है। नेक्स्ट आपके जो हैं आपके फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड जब अल्मोनियम के साथ रिएक्ट, इसी का नाम है सर थर्माइट रिएक्शन, याद रखिएगा थर्माइट रिएक्शन, ये रेलवे ट्रैक और मशीन पार्ट अगर क्रैक होता है तो वहाँ पर जोड़ने में यूज होता है, कि जब आयरन ऑक्साइड को अल्मोनियम के साथ रिएक्ट किया जाता है तो डिस्प्लेस अल्मोनियम जो है मोर रिएक्टिव है, तो इसमें जो हो रहा है Al2O3 बन रहा है, तो एबव रिएक्शन जो है सर एक किसका एग्जांपल है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर, कि अगर डाइल्यूट क्लोरिक एसिड अगर हम ऐड कर देते हैं किसमें HCl में सर तो क्या होंगे, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा सर ये आपके जो हो जाएंगे हाइड्रो आपके Fe Cl2 बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगा, यही तो आपके बनाएगा सर, क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा कि व्हाट हैपेंस, ये हो गया व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, कि हमें जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो ये बैलेंस्ड केमिकल मतलब कि राइट साइड मतलब कोई भी रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए दोनों की तरफ, रिएक्टेंट की तरफ भी और प्रोडक्ट की तरफ भी, तो उसे हम क्या बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, केमिकल इक्वेशन क्योंकि अकॉर्डिंग कि मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से, तो समझिएगा कि एक केमिकल इक्वेशन हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा जिंक रिएक्ट विद डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, जिंक और H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या बना लिया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाए। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जिंक राइट साइड में एक है तो राइट साइड आपके लेफ्ट साइड में भी एक है, हाइड्रोजन दो है तो हाइड्रोजन दो है, सल्फर एक है तो सल्फर एक है, ऑक्सीजन चार है तो ऑक्सीजन चार है। तो यहाँ पे देखो दिस इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ ZN एटम H एटम S एटम इन रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट, सो इट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच सेज दैट मैटर कैन नैदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ना मास आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है,
कि मैटर जो है ना वो क्रिएट होता है ना वो डिस्ट्रॉयड होता है, सिर्फ क्या होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एक्सचेंज होता है, चेंज होता है सर। सो द टोटल मास ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट। कि आपके जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके ईच एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम जो है ये प्रोडक्ट में हो या रिएक्टेंट में हो दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना चाहिए सर उसे, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो आते हैं ट्रांसलेट द फ्लोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस दे। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया। तो अगर H2 और N2 अगर रिएक्ट किया तो क्या बनाया, एमोनिया बनाया सर, एमोनिया बनाया। अब रिएक्शन यहाँ पे 2 लगा तो यहाँ पे क्या 3 लगाना पड़ेगा, आपके रिएक्शन बैलेंस हो गए। दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जब हाइड्रोजन सल्फाइड जो है सड़े हुए अंडे में पाए जाते हैं, H2S को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो आपके वाटर बनते हैं H2O प्लस साथ में क्या बनता है SO2 बनता है सर। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे आपका रिएक्शन को बैलेंस HCl आपके 2 तो यहाँ पे आपको क्या यहाँ पे 2 लगाओ, अगर यहाँ पे 2 लगाए तो 2 यहाँ लगाओ, फिर 2 यहाँ लगाओ, कितना हो गए यहाँ पे 3 लगा, तो रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखिएगा बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ अल्मोनियम सल्फेट टू गिव अल्मोनियम क्लोराइड एंड प्रसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो BaCl2 और Al2SO4O3 जब क्या बनाएगा AlCl3 बनाएगा प्लस BaSO4 बनाएंगे, बेरियम सल्फेट बनाएंगे, सारा लिख दिए फार्मूला। अब क्या होता है रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, अल्मोनियम 2 है तो अल्मोनियम 2 यहाँ लगा दिए, तो क्लोरीन क्या हो गया 6 तो यहाँ पे 3 लगा दिए, अब बेरियम कितना हो गया 3 तो बेरियम 3 यहाँ लगा दिए, 3 जैसे लगाएं सब चीज़ क्या हो गया बैलेंस हो गया। नेक्स्ट पोटासियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर, पोटासियम मेटल जो है किससे वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। तो पोटासियम के जगह पे क्या लिखेंगे के लिखेंगे सर, फिर वाटर के जगह पे H2O लिखेंगे, इससे रिएक्ट कर रहा है क्या बना रहा है KOH और साथ में क्या बना रहे हैं हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ पे 2 लगाएंगे जैसे तैसे यहाँ पे 2 लगाएंगे, अब यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ से 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, हाइड्रोजन चार ऑक्सीजन दो पोटासियम दो। ये रिएक्शन बैलेंस करना हम सीख गए। अब देखिएगा नेक्स्ट बैलेंस फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशंस को क्या करना है बैलेंस करना है। तो HNO3 जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम नाइट्रेट और क्या बनता है हाइड्रोजन आपके वाटर बनते हैं सर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे नाइट्रेट 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दो, जैसे 2 लगाएं सर यहाँ पे क्या करो 2 लगा दो, रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस हो गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 सोडियम सल्फेट बनाता है और वाटर बनाता है, तो यहाँ सोडियम कितना है 2, यहाँ पे सोडियम कितना है 1, तो पहले 2 यहाँ लगाओ, 2 लगाए जैसे यहाँ पे 2 लगाए आपके क्या ये 2 आपके यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे जैसे 2 लगाए सर रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब क्या है सोडियम क्लोराइड और AgNO3 क्या बना लिया AgCl और क्या बना लिया NaNO3, ये रिएक्शन खुद बैलेंस है, पहले से बैलेंस है सर, इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। बेरियम क्लोराइड और H2SO4 जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते तो क्या बनाता है बेरियम सल्फेट और क्या बना रहा है HCl। तो यहाँ पे देखो ये आपके बेरियम एक सल्फेट एक H2Cl2, तो यहाँ पे 2 लगा दो रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है, तो मतलब क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाया कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्या दिया जल दिया सर जल दिया, ये रिएक्शन खुद बैलेंस है, देख लो मिला के खुद रिएक्शन बैलेंस है। जिंक जब आपका सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया तो जिंक नाइट्रेट और क्या सिल्वर बनाया, क्योंकि आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेंगे तो जिंक जैसे तो क्या बना लेगा जिंक नाइट्रेट 2 और आपकी क्या तो रिएक्शन बैलेंस करना तो 2 यहां लगा देना है फिर 2 आपका सिल्वर पे लगा देना है। अब देखिएगा अल्मोनियम और कॉपर क्लोराइड, तो अल्मोनियम Al होता है और कॉपर क्लोराइड CuCl2 होता,
साथ में क्या बनाया, AlCl3 बनाया प्लस साथ में, और क्या बनाएगा सर, कॉपर को बाहर निकालेगा, क्योंकि आपकी अल्मोनियम जो है मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहाँ से देखिएगा क्लोरीन यहाँ कितना है, क्लोरीन यहाँ कितना है सर, क्लोरीन यहाँ पे आपका 3 यहाँ पे लगा दो तो रिएक्शन ये कितना हो जाएगा, 2, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना, 2 लगाओ, यहाँ पे कितना लगा दो, 3 लगा दो, देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गए। तो 3 कॉपर, 3 कॉपर हो गया, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6 हो गया, अल्मोनियम 2 तो अल्मोनियम 2 हो गए। बेरियम क्लोराइड और पोटासियम सल्फेट, जब बेरियम सल्फेट का और क्या बनाता है, पोटासियम क्लोराइड बनाता है, तो BaCl2 प्लस K2SO4 क्या बना लिया, BaSO4 और KCl, तो 2K2 K है और 2Cl है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, क्या हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गए सर। अब नेक्स्ट जो होए, नेक्स्ट देखिएगा, राइट दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दी फ्लोइंग एंड आइडेंटिफाई दी टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो पोटासियम ब्रोमाइड जब आपका और बेरियम आयोडाइड जब रिएक्ट करता है तो पोटासियम आयोडाइड और आपकी बेरियम ब्रोमाइड बनाते हैं सर। तो KBr और BaI2 रिएक्ट किया तो KI बनाया और BaBr2 बनाया। अब रिएक्शन को बैलेंस करते तो 2 यहाँ पे देखो I2 है तो यहाँ पे 2 लगा दिए, 2 जैसे लगाए तो 2 यहाँ लगा दिए, यहाँ पे BR2, देखो रिएक्शन बैलेंस है। एक ऐसा रिएक्शन देखो सर, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है तो क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका दूसरा नाम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि ये आपका बेरियम ब्रोमाइड आपका क्या है सर, प्रेसिपिटेट PPT बन रहे हैं। दूसरा एग्जांपल, जिंक कार्बोनेट जब रिएक्ट किया, आपको डिकम्पोज किए, हिट किए, तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिंक कार्बोनेट को जैसे हिट किए तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन खुद बैलेंस है सर। कैसा है, तो ये टूट रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मतलब AB जो एक फॉर्म में है तो ये टूटा किस में, 2 फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएंगे। H2 और Cl2 जब रिएक्ट किया तो क्या बनाया, HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब रिएक्ट कर रहे तो क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये रिएक्शन बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे क्योंकि H2 Cl2 क्या बना रहे हैं, HCl, तो 2 आगे लगा दो, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो क्या हो जाएंगे, ये कम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएंगे। क्या हो रहा है, 2 रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है सर, इसीलिए क्या हो जाएंगे, ये कम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएंगे। मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है। तो मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्ट किया तो MgCl2 और H2 बाहर निकाल दिया, तो एक ऐसा है डिस्प्लेसमेंट, क्या है सर, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है कौन, मैग्नीशियम, इसीलिए क्या किया, हाइड्रोजन ने क्लोरीन को त्याग दिया और किसके साथ रिएक्ट कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, कौन, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवा दिया, तो ये रिएक्शन आपके बन जाएंगे सर, ये आपकी रिएक्शन बन जाएंगे। अब आता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज करेंगे सर, एग्जांपल आपकी रेस्पायरेशन, या बोल सकते हो कि आप रेस्पायरेशन आपका बेस्ट एग्जांपल रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या होता है कि C6H12O6 जब आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल, और क्या बनते हैं, साथ में एनर्जी रिलीज करता है सर। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है समझिएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं वो आपका जिसमें हीट क्या करे, एब्जॉर्ब करे सर, एग्जांपल आपके फोटोसिंथेसिस, क्या हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई इज रेस्पायरेशन कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। रेस्पायरेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो सर हीट रिलीज होता है, उसमें एनर्जी रिलीज होता है, तो रेस्पायरेशन इज कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। ड्यूरिंग रेस्पायरेशन ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द सेल ऑफ आवर बॉडी टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में क्या देता है, एनर्जी देता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन,
राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। सर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कॉल्ड अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज इन ए कम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, वेयर एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होती है सिंगल सब्सटेंस जो है स्प्लिट अप ब्रेक अप टू फॉर्म टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब कम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनता है, और वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होते हैं सिंगल सब्सटेंस जो है वो स्प्लिट अप होकर टूटकर दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस प्रोडक्ट बनते हैं। एग्जांपल सर जब हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ जलता है जलाते हैं तो क्या बनता है वाटर बनता है, H2+O2 क्या बन रहा है वाटर बन रहा है, तो ये क्या कम्बिनेशन रिएक्शन का आपका एग्जाम्पल है। लेकिन वही सर आपका दूसरा रिएक्शन में देखोगे तो इन दिस रिएक्शन समझो इस रिएक्शन में दो सब्सटेंसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो रहा है कंबाइन हो रहे हैं और सिंगल सब्सटेंस बना रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं कम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। लेकिन वही एसिडिफाइड वाटर में अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रहे हैं, H2O वाटर को जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दिए तो H2 गैस और O2 बन रहे हैं। एक सिंगल सब्सटेंस आपका वाटर ब्रेक्स कर रहा है क्या दो सिंपलर सब्सटेंसेस में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, सो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं अबव एग्जांपल से कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो अपोजिट है किसका कम्बिनेशन रिएक्शन का। सर आगे जो आते हैं नेक्स्ट आपके जो आते हैं राइट वन इक्वेशंस ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं तो ये डिकम्पोज कर जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हीट दिए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, तो एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट इसमें दिए। दूसरा एग्जांपल लाइट सर AgCl, जैसे आप सनलाइट के प्रेजेंस में लाओगे तो ये क्या हो जाएगा डिकम्पोज कर जाएगा सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में। तो AgCl में जैसे आप सनलाइट लाओगे Ag और किस में टूटेगा सर Cl2 में टूटेंगे, तो एनर्जी इसमें सप्लाइड किसके फॉर्म में हुआ सनलाइट में, और यही जो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है सर। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस रिएक्शन का यूज होता है सर। जब एसिडिफाइड वाटर में इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो ये डिकम्पोज कर जाते किस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है सर तो क्या H2 और O2 में क्या होते हैं टूट जाते हैं, तो एनर्जी किसमें सप्लाई किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो ये तीनों आपके फॉर्म में का एग्जांपल बता दिया गया। अब जो आता है सर क्या कि आपके व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अंतर क्या है, राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शंस, इस रिएक्शंस का क्या करना है एग्जांपल इक्वेशंस बताना है सर। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होते हैं एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है दो कंपाउंड्स आपके कंबाइन करते हैं और उसके आयंस का क्या होता है एक्सचेंज होता है टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है आयंस का एक्सचेंज होकर दो न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा कॉपर सल्फेट जब सोल्यूशन है जिंक के साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्या बनता है जिंक सल्फेट और कॉपर बनते हैं। कॉपर सल्फेट और जिंक जब रिएक्ट किया तो क्या बना जिंक सल्फेट और क्या बने कॉपर बने। ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेक्स प्लेस बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट सोल्यूशन टू फॉर्म व्हाइट PPT प्रसिपिटेट बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो बेरियम क्लोराइड और Na2 आप एग्जांपल दे दे रहे हैं एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का और एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो ये क्या बना बेरियम सल्फेट और क्या बन गया NaCl बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रिएक्शंस को बैलेंस है कि नहीं ये देखना है, तो यहाँ पे टूल जैसे लगा दिए रिएक्शन बैलेंस हो गए। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाई कॉपर मेटल राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो AgNO3 को जब हम कॉपर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कॉपर जो है मोर रिएक्टिव है किससे Ag से, तो क्या बना लेंगे कॉपर नाइट्रेट और साथ में क्या दे देगा सिल्वर बाहर दे देगा। इसी तरह से हम प्योर बनाते हैं सर रिफाइनिंग करते हैं।
तो AgNO3 जब कॉपर से रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट और साथ में क्या निकल जाएंगे, सिल्वर निकल जाएंगे। तो ये आपका रिएक्शन बैलेंस नहीं, तो रिएक्शन बैलेंस करना होगा। यहाँ पे टू जैसे लगाएं, यहाँ पे टू लगा दिए, रिएक्शन क्या हो गया सर, बैलेंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके ये ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। कि सर जब कोई रिएक्शन इनसोल्युबल सॉलिड्स आपके प्रेसिपिटेट बनाते हैं तो इज फॉर्म सडनली सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में आपका प्रेसिपिटेट इनसोल्युबल सॉलिड बन रहा है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। द रिएक्शन जो आपके सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच जो रिएक्शन हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड आपके प्रेसिपिटेट बन रहा है सर, इसी का एक एग्जांपल है किसका, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। जब AgNO3 और NaCl रिएक्ट कर रहा है तो AgCl आपका क्या बन रहा है, वाइट PPT, और साथ में क्या बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट बन रहे हैं एक्वस में। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड क्या है सर, वाइट आपके PPT इनसोल्युबल सॉलिड है, वी सेपरेट आउट सडनली फ्रॉम दिस सोल्यूशन। अब आते हैं एक्सप्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक्सप्लेन द फ्लोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ टू एग्जाम्पल्स इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। किसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन, द गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय ए सब्सटेंस इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जिस सब्सटेंस के रिएक्शन में सब्सटेंस के द्वारा क्या ऑक्सीजन का गेन हो, प्राप्ति हो, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल Mg और O2 जब रिएक्ट किया सर, मैग्नीशियम को जो एयर के प्रेजेंस में बंद करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये क्या है सर, आपका मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और क्या बना ले रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो रहा है, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है, किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। दूसरा एग्जाम्पल सर देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर और H2O बन जा रहे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन H2 जो है क्या हो रहा है, आपका गेनिंग ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है किसमें, वाटर में। तो हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू वाटर। रिडक्शन क्या होता है सर, जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं सब्सटेंस के द्वारा, कोई भी रिएक्शन में अगर सब्सटेंस के द्वारा ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो जिंक ऑक्साइड जब आपके कार्बन से रिएक्ट कर रहा है तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ से जिंक क्या आ रहा है, दूर ऑक्सीजन दूर जा रहा है जिंक से, तो जिंक ऑक्साइड क्या है, यहाँ पे लूजिंग ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक मेटल, तो जिंक ऑक्सीडाइज इज रिड्यूस्ड, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक। नेक्स्ट आप देखिएगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड अल्मोनियम, तो क्या हो रहा है, आयरन से जो है ऑक्सीजन हट रहे हैं और अल्मोनियम में जुड़ रहे हैं, तो अल्मोनियम में क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आयरन से अगर हट रहा है तो क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ से Fe2O3 से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लूज हो रहा है, क्या बन रहा है, आयरन मेटल, इसलिए आयरन ऑक्साइड क्या हो रहे हैं, रिड्यूस टू किस में, रिड्यूस हो रहे हैं आयरन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साइनी ब्राउन कलर्ड तो क्या एक नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए साइनी आपका ब्राउन कलर्ड जो है एलिमेंट, ब्राउन कलर किसका होता है सर, कॉपर का होता है, जब इसे हीट किया जाता है एयर में तो क्या बना लेता है, एक ब्लैक इन के कलर, नेम द एलिमेंट टेक्स, तो एलिमेंट टेक्स क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर किसका होता है, कॉपर का होता है, कॉपर हो जाएंगे। एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, जो ब्लैक कलर्ड कंपाउंड बनाया उसका नाम बताना है, तो क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेंगे सर। तो यही तो आंसर हो जाएंगे कि आपके जो ब्राउन कलर एक्स एलिमेंट एक्स था वो क्या था, कॉपर, जैसे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता था क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेंगे सर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा कि व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, तो सर पेंट हम लोग इसीलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि उसे हम क्रोजन से, रस्टिंग से क्या कर सके, बचा सके। तो पेंट इज अप्लाइड ऑन आयरन आर्टिकल्स बिकॉज टू प्रिवेंट देयर रस्टिंग। When a coat of paint is applied to the surface of an iron article, then the air and moisture cannot come in contact with the iron metal of the article and hence no rusting takes place. तो आप यहीं तक आंसर लिख सकते हो सर एग्जाम में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, वाई।
सर जो प्लास्टिक बैग्स में कुरकुरे लेज वगैरह में जो आपके रखे जाते हैं फूड, उसमें नाइट्रोजन गैस इसीलिए भरा जाता है क्योंकि वो ऑक्सीडेशन ना कर ले, ऑक्सीडाइज ना कर जाए और आपके फूड जो है अनप्लीजेंट स्मेल में और टेस्ट में ना कर, आपके रेंसिडिटी ना बन जाए। तो द प्लास्टिक बैग्स कंटेन ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ एन अनरिएक्टिव गैस नाइट्रोजन सो एज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड टर्न रेंसिड। दिस इज बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर द फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड आइटम्स गेट ऑक्सीडाइज फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स हैविंग अनप्लीजेंट स्मेल टेस्ट विच टर्न द फूड्स रेंसिड व्हेन एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय अनरिएक्टिव नाइट्रोजन गैस द पैक्ड फूड आइटम्स डू नॉट गेट स्पॉइल्ड दे रिमेन फ्रेश फॉर मच लॉन्गर टाइम। इसलिए आप देखते होंगे कुरकुरे वगैरह पैकेट में जो आप हवा का पैसा दे रहे हो, जो रुपये आप खरीद रहे हो, चार पांच लेज रहते हैं कुरकुरे आपके आलू का चिप्स और बाकी क्या रहता, हवा रहता। तो हवा क्यों रहता है सर, कि वो आपका फूड जो है स्पॉइल्ड ना हो जाए, अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट ना आ जाए, उससे क्या करता है, रक्षा करता है, प्रिवेंट करता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपके, एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म्स विथ वन एग्जाम्पल इज क्रोजन और रेंसिडिटी। क्रोजन क्या है, एक प्रोसेस है सर जिसमें मेटल धीरे धीरे क्या होता है, ग्रेजुअली ईटन अप होता है, खाया जाता है। किसके द्वारा, बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड क्रोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्रोजन। रस्टिंग इन्वॉल्व्स अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन मेटल विच अकर्स इन नेचर ऑन इट्स ऑन। When an iron object is left in damp air for a considerable time, it gets covered with a red brown flaky substance called rust. The corrosion of iron is a continuous process which, if not prevented in time, eats up the whole iron object. Rancidity क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन जो होते हैं सर फूड्स के एम्बे आपके डैमेजिंग करते हैं ऑक्सीडेशन के कारण, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है कंटेनिंग आपके जो फैट्स एंड ऑयल्स है। ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। व्हेन द फूड मटेरियल्स प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल आर केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम दे स्टार्ट गिविंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। देखते हुए घर पर ज़्यादा दिन तक अगर रखा रह जाता है आपके तेल वाला सामान, तो क्या हो जाती है, धीरे धीरे वो खराब लगने लगता है खाने में। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड मटेरियल्स प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल विच हैव बीन केप्ट फॉर ए कंसिडरेबल टाइम एंड मेक्स देम अनफिट फॉर ईटिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ पोटैटो चिप्स prepared in oil are kept exposed to air for a long time, they start giving unpleasant smell and taste due to oxidation of oil present in them. The potato chips turn rancid and becomes unfit for eating. कि सर अगर आप आलू चिप्स अगर हवा में एयर में रख देते, खुले एयर में, तो कुछ दिन के बाद वो क्या हो जाता है, उससे unpleasant smell आएंगे और taste आएंगे। किस क्यों सर, oil जो है oxidation में हो कर लिया है, ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया है, कम्बिनेशन कर लिया है और पोटैटो चिप्स जो है रेंसिड हो गया है, खराब हो गए और ये आपके लिए खाने पर क्या हो जाएगा, के लिए अनफिट है, वो आपका स्वस्थ नहीं, हेल्दी नहीं है सर। तो रेंसिडिटी और आपको क्रोजन समझ आ चुका होगा। तो अब आज हम लोग पूरे चैप्टर वन केमिस्ट्री का, चैप्टर वन क्लास टेन के पूरे अच्छी डिटेल से हम लोग देख चुके हैं, पूरे एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं, ये आपको समझ आ चुका होगा। धन्यवाद।